सिंगोई पुलिस ने दो गौ तस्करों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इनके पास से चले हुए और जिंदा कारतूस और दोनों के पास से तमंचे बरामद हुए। इनकी जान पूछताछ पे बात सामने आई है कि ये गौ तस्करी करते हैं, चोरी करते हैं और गायें उठा लेते हैं जगह जगह से। इनके पास से एक पिकअप भी बरामद हुई है जो ये गाय उठाने के लिए आए हुए थे। रस्सा, टॉर्च और अन्य सामान। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा कि मेरा भारत आगे बढ़ रहा है। मोदी की बात अब साकार रूप लेने लगी है। भारत इस हद तक आगे बढ़ गया और इस हद तक डिजिटल हो गया कि अब योगी पुलिस किसी भी रस्सी को देखकर ही बता सकती है कि इस रस्सी से गाय बांधी जाती है या भैंस बकरी। इतना ही नहीं बल्कि योगी पुलिस दूर से ही ये भी पता लगा लेती है कि कौन आदमी किस चीज की तस्करी करने वाला है। जी हाँ, हम जोक नहीं सुना रहे हैं बल्कि शाहजहांपुर की योगी पुलिस की काबिलियत का एक छोटा सा नमूना बता रहे हैं। दरअसल शाहजहांपुर के निगोही थाना पुलिस ने दो लोगों को अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग गौ तस्करी की योजना बना रहे थे। बता दें कि इनके कब्जे से गौवंश बरामद नहीं या पुलिस बरामद करना भूल गई। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को परंपरा के अनुसार मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि आरोपियों के कब्जे से रस्सा, तमंचे, कारतूस बरामद हुए हैं। दरअसल इंडिया इतना डिजिटल हो चुका है कि अब किसी भी रस्से को पहचाना जा सकता है कि इस रस्से से गौवंश बांधा जाता है या भैंस बकरी। वही पुलिस ने दो गौ तस्करों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इनके पास से चले हुए और जिंदा कारतूस और दोनों के पास से तमंचे बरामद हुए। इनकी जान पूछताछ पे बात सामने आई है कि ये गौ तस्करी करते हैं, चोरी करते हैं और गायें उठा लेते हैं जगह जगह से। इनके पास से एक पिकअप भी बरामद हुई है जो ये गाय उठाने के लिए आए हुए थे। रस्सा, टॉर्च और अन्य सामान भी बरामद हुआ है जो गायों को बांध कर गाड़ी में डालने में काम आता है। इनकी गिरफ्तारी करके आवश्यक पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित।